नाम्बिया से 8 चीते ग्वालियर पहुंचे। चीतों को लेकर ग्वालियर में लैंड हुआ विमान। कूनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे पीएम मोदी। साल 1952 में विलुप्त हो चुके चीतों से एक बार फिर हिंदुस्तान की धरती आबाद होगी। इनका ठिकाना मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल वन पार्क में होगा। अपने ठिकानों पर पहुंचने के लिए नाम्बिया से 8 चीते विशेष मालवाहक विमान से उड़कर आज ग्वालियर के महाराजा एयरपोर्ट पर उतर गए हैं। यहां से ये सभी चीते सेना के विशेष हेलीकॉप्टर चिनूक से एक बार फिर उड़ान भरेंगे और इन्हें कूनो राष्ट्रीय उद्यान लाया जाएगा, जहां ये कुछ दिन तक विशेष बाड़े में रहेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। इस मौके पर पीएम मोदी नाम्बिया से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में बने क्वारंटाइन पहाड़ों में छोड़ेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी स्वयं सहायता समूह सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी लगभग आधा घंटे तक कूनो नेशनल पार्क में रुकेंगे। आज प्रधानमंत्री का 72वां जन्मदिन है और आज ही के दिन वो कूनो अभयारण्य में चीतों को बसाएंगे। ऐसे में ये जन्मदिन उनके लिए यादगार हो जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री आज खास तौर पर मध्य प्रदेश के दौरे पर है। नाम्बिया से लाए गए चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ने के बाद वो शेरपुर के करहाल में SHG सम्मेलन में भाग लेंगे। वहीं अफ्रीका से हिंदुस्तान आए चीतों के ग्रैंड वेलकम की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट की सलाह पर चीतों को फ्लाइट से बिना खाना पानी के लाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि 11 घंटे की फ्लाइट में कहीं उनकी तबीयत ना बिगड़ जाए। हालांकि कूनो नेशनल पार्क में रफ्तार के किंग के लिए शाही पकवान भी तैयार है। बता दें, आज़ादी से पहले तक देश में चीतों की आबादी छत्तीसगढ़ में थी। यहाँ कोरिया जिले में अंतिम चीते की मौत 1947 में हो गई थी। इसके बाद 1952 में चीतों को भारत की धरती से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। भारत की धरती को एक बार फिर चीतों से आबाद करने के लिए साल 2009 में अफ्रीकन चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया शुरू किया गया था। इसी प्रोजेक्ट के तहत नाम्बिया से 8 चीतों को आयात किया गया है। इस खबर फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।